हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेके आए थे ब्रांड न्यू आर1 5 V3। मुझे पता है कि V4 आ चुकी है, लेकिन अभी जिसकी बाइक है उसको V3 ज़्यादा पसंद है, उसने V3 ली। तो उसमें हम करने वाले हैं कुछ मॉड्स, जैसे कि डबल बबल वाइजर इंस्टॉल करने वाले हैं और एक विंगलेट भी इंस्टॉल करेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो करते हैं शुरू, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, वो दबा के सेलेक्ट कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स का सबसे पहले पहुँच जाए। और नीचे इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करिए एक बार। और क्योंकि यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट्स आती रहती हैं कि क्या कुछ नया आने वाला है, और अच्छे अच्छे रील्स भी आती रहती हैं, तो एक बार जाके चेकआउट करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, और इसे हमको मॉड करते हुए। तो ये है वो न्यू आर1 5 जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये अपनी है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं डबल बबल वाइज़र, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है, और एक हाफ विंगलेट। तो ये दो चीज़ें इसमें आज इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वो दो चीज़ें भी हमारे पास हैं। चलो करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग और वो भी दिखाते हैं आप लोग को। तो ये देखिए, ये है डबल बबल वाइज़र, और इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है और मजबूत भी है। देखिए फिनिशिंग, देखिए क्वालिटी। ये बाइक में कुछ इस तरह फिट होने वाला है, तो ये आप ओरिजिनल देखिए और उसके ऊपर ये देखिए भाई। इसका लगने के बाद बाइक का लुक ही पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कि आप लोग मेरी वाली बाइक में देख सकते हैं कि ये लगने के बाद लुक कैसा आता है। और अभी इस पर नहीं लगा है, और विदाउट इस पर देखिए तो थोड़ा मतलब सिंपल सी लगती है। तो हाँ, ये हो गया बबल वाइज़र। अब दिखाते हैं आप लोग को विंगलेट की। तो ये है JB रेसिंग की तरफ से आने वाली विंगलेट। चलो इसकी भी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर की है। और ये कुछ इस तरह बाइक में इंस्टॉल होने वाली है। ये देखिए भाई, हाफ विंगलेट के अलग मज़े हैं, और ये देखिए मेरे में फुल वाली लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली हाफ वाली मैं भी लगा लूँ, तो क्योंकि ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है हाफ वाली, फुल वाली के अकॉर्डिंग। ये देखिए, और मेरी मतलब इसके ये बाहर निकले हैं ना, तो यहाँ पे जब बाइक चलती है या गाड़ी साफ ऑफ करो तो स्क्रैच बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसमें स्क्रैच का कोई इशू नहीं आएगा, सिर्फ हाफ विंगलेट है। और देखिए लुक देखिए आप केवल। तो चलो देर ना करते हुए करते हैं इनको इंस्टॉल, और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले विंगलेट इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरह सेट करके आप नीचे साइड देख सकते हैं कि विंगलेट में होल दिया गया, और यहाँ पे कोई होल नहीं दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे करना होगा एक छोटा सा होल, और उसके ऊपर से इसी विंगलेट की जो ये होल दिया गया, इसी में एक स्क्रू वॉशर के साथ लगा के टाइट कर देंगे, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। और मेरे में इसी तरह लगी है। तो चलो इसको करते हैं इंस्टॉल, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पे होल हो गया है, और आप लोग देखा है, और मैंने इस साइज़ का एक स्क्रू लिया है। ये देखिए, ये मैंने स्क्रू लिया, और इसमें दो वॉशर डालने वाले हैं, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है, तो यहाँ से ऊपर आने के चांसेस हैं, तो इसमें मैं दो वॉशर डाल दूँगा कुछ इस तरह। और ये रही अपनी विंगलेट, तो इसको लगाते हैं, ये इस तरह कुछ सेट हो गई। अब इसमें होल से मैच करके इसको ऊपर टाइट कर देना। ये देखिए भाई, 1% भी नहीं हिल रही है। और इसके बाद अब लुक देखिए इसका, तो थोड़ा सा मतलब शार्पी लगती है एरोडायनेमिक टाइप में, काफ़ी लुक भी इनहेंस हो जाता है। और इसी तरह मेरी देखिए, तो मुझे मेरी तो कम अच्छी लगती, क्योंकि हाफ वाली जो होती है ये सही रहती है, यहाँ से स्क्रैच ज़्यादा पड़ते इसलिए, और
बाकी अच्छी ये भी लगती है, इसमें फुल एरोडायनामिक हो जाते हैं और ये थोड़ा हाफ टाइप में आती है। तो ये हो चुके हैं इंस्टॉल और अब करते हैं बबल वाइजर को इंस्टॉल। तो सबसे पहले इन स्क्रूज को खोलना पड़ेगा, तो चलो इनको ओपन करते हैं। तो ये मैंने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं और उसके बाद मुझे ये मिरर भी ओपन करने होंगे, क्योंकि ये जो शीशा है इसकी ग्रिप यहाँ तक आती है, तो बिना इनको ओपन किए हुए ये वाइज़र बाहर नहीं निकलेगा। तो चलो अब करते हैं इनको ओपन और उसके बाद दिखाते हैं। इसको ओपन करने के लिए ये जो रबड़ लगी है इनको यहाँ से ओपन करना होगा, सेम इसी तरह ये, और इस साइड से मैं ओपन कर चुका हूँ। तो इसमें दिए गए हैं 5 नंबर की एलन कीज, तो जो कि ये मेरे पास है, इससे मैं करता हूँ इसको ओपन और कुछ इस तरह ओपन होता है। तो चलो ओपन करके दिखाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इस साइड की एलन कीज मैंने दोनों निकाल ली हैं और ये आ गया है मिरर बाहर, तो इसको रखते हैं नीचे और सेम इसी तरह दूसरी तरफ का निकालते हैं। और ये लास्ट वो रह गया और ये भी सीधा निकल चुका है और ये आती है हमारी बाहर, तो इसको भी रखते हैं साइड में। वाइजर आ चुका है बाहर और इसमें यहाँ तक ग्रिप आती है, जो कि हमारा डबल बबल वाइजर होगा उसमें ये चीज़ नहीं दी रहेगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो अब इनकी ये रबड़ निकालनी पड़ेंगी, ये हमें दूसरे वाली वाइजर में लगानी है, तो इनको निकाल लेते हैं चारों को बाहर। तो ये रबड़ हमारी आ चुकी है बाहर, अब इसको रखते हैं साइड में। बिना वाइजर के कुछ इस तरह लुक आ रहा है काफ़ी सेक्सी लुक। तो चलो अब इसको दूसरा वाइजर है उसमें ही ये रबड़ को फिट करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए वाइजर कुछ हो चुका है इस तरह इंस्टॉल, और अब लुक देखिए भाई इसका क्या गजब का लुक आ रहा है, और साइड में वो खड़ी है। तो इसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन दिया ये भी इसका ग्लोसी फिनिश में है, और ये ग्लास भी इसका ग्लोसी फिनिश में दिया गया, इसलिए ये थोड़ा अलग लग रही है। और यहाँ पे इसमें ये चीज़ मैट दे दी, अगर ये ग्लोसी दिए होते तो कुछ लुक अलग ही आता निकल के। बाकी इससे भी काफ़ी प्यारा लुक अभी मिरर वगैरह लगेंगे तो बिल्कुल मतलब अट्रैक्टिव लुक होने वाला है। तो चलो लगाते हैं इसके मिरर और उसके बाद आप लोग को फाइनल लुक दिखाते हैं और कुछ सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। तो ये मैंने इसमें चारों रबड़ फिट कर ली हैं और ये देखिए कुछ इस तरह की फिनिशिंग आ रही है। मैंने होल को बड़ा नहीं किया है और वैसे रहने दिया है, क्योंकि होल बड़े कर देते थोड़ा सा ढीला पड़ सकता था, तो ये लग जाएगा इसमें आराम से, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो इसको करते हैं इंस्टॉल और उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये मिरर हो चुके हैं कंप्लीट और ये लगा देते हैं कैप लिंकेज की, अब देखिए भाई कुछ फाइनल लुक ये देखिए, तो देखने में भाई काफ़ी सेक्सी लग लुक आ रहा है। और ये रही उसकी विंगलेट, तो चलिए अब उसके कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए और करते हैं वीडियो को एंड। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Let's get money, motherfucker.